अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडाइनिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं। देखते हैं जी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस वी है किसी फील्ड एफ पे। द वेक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ। वेक्टर स्पेस वी के जो वेक्टर्स हैं वो फील्ड एफ पे उस वक्त लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम इक्वल टू जीरो रखें, मतलब ए वन वी वन ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री इन सभी को प्लस करें और आंसर इक्वल टू जीरो रखें, और यहाँ पे एंड नॉट ऑल ए आई आर जीरो। ए आई मतलब ए की जो वैल्यूज है, स्केलर वैल्यूज जिस जो फील्ड की वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी जीरो ना हो, या तो उनमें एक कोई नॉन जीरो हो किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम वेक्टर स्पेस का रख रहे हैं, या एक नहीं सारी की सारी नॉन जीरो हो, तो वो जो हमारा जो वेक्टर स्पेस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं और उन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं। ये वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं क्योंकि तमाम की तमाम जो स्केलर वैल्यूज हैं वो जीरो नहीं है, उनमें से एटलीस्ट एक जो वैल्यू है ए की वो नॉन जीरो है। इसके साथ अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर देखते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। वी कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ पे, तो वेक्टर वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन उस वक्त लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे उस फील्ड एफ पे जब ए वन वी वन ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री अप टू ए एन वी एन इक्वल टू जीरो, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखें और उसमें ए आई जो है वो तमाम के तमाम जीरो हो। स्केलर जो वैल्यूज हैं फील्ड की वो सारी की सारी जब जीरो होंगी तो हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे, और जब स्केलर वैल्यूज एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन जीरो हो या सारी की सारी वैल्यूज नॉन जीरो हो तो वो हमारे वेक्टर जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है, जब स्केलर वैल्यूज जो हैं वो फील्ड की जो वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो होंगी सारी की सारी या एटलीस्ट एक नॉन जीरो होगी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर वेक्टर्स में जो स्केलर वैल्यूज हैं जो फील्ड की वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो नहीं होंगी सारी की सारी जीरो होंगी तो वो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा क्या कहलाएगा, उसमें वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अब हम इनकी वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर वी वन है, ये है वन टू एंड थ्री, वी टू है टू फोर सिक्स, वी थ्री है थ्री सिक्स एंड नाइन। अब आप गौर करें तो वेक्टर वी वन के जो एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री, वेक्टर टू है टू फोर सिक्स, वेक्टर थ्री है थ्री सिक्स एंड नाइन। अब वेक्टर वी को अगर डबल किया है तो वेक्टर टू जो है वी टू, अगर मैंने वी वन को डबल किया है तो वी टू बन गया, मतलब टू वन जर टू, टू टू जर फोर, टू थ्री जर सिक्स। इसी तरह v3 जो है मैंने थ्री टाइम v1 किया है, मतलब थ्री वन जर थ्री, थ्री टू जर सिक्स, थ्री थ्री जर नाइन, तो ये मेरे पास वेक्टर v3 बन गया है। अब लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब स्केलर एलिमेंट्स, जब लीनियर कॉम्बिनेशन, जब इसमें हमारे जो स्केलर वैल्यूज हैं एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो, मतलब के अब c1 v1, मतलब के a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ए थ्री वी थ्री इक्वल टू जीरो है। अब वी वन है हमारे पास वन टू एंड थ्री, वी टू है हमारे पास टू फोर एंड सिक्स, वी थ्री है हमारे पास थ्री सिक्स एंड नाइन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे कौन सी वैल्यूज हमने स्केलर रखनी है कि हमारा आंसर जो है वो किसी भी स्केलर वैल्यू या तो सारी की सारी जो है नॉन जीरो ना हो या एटलीस्ट एक नॉन जीरो ना हो। अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको वन ओवर थ्री कर देता हूं, देखते हैं क्या बनता है। टू वन जर टू, टू टू जर फोर, टू थ्री जर सिक्स, प्लस माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स,
थ्री ओवर थ्री, ये क्या आ गया, थ्री डिवाइडेड बाय थ्री वन, सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री टू, नाइन डिवाइडेड बाय थ्री थ्री, इक्वल टू जीरो। अब तीनों एलिमेंट्स जो हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको ऐड करते हैं, टू माइनस टू, टू माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस फोर प्लस टू, सिक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री, इक्वल टू जीरो। टू माइनस टू जीरो और वन, ये वन आ गया, ये टू आ गया और ये थ्री आ गया, इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हमारे पास स्केलर वैल्यूज क्या आ गई हैं, वन टू एंड थ्री। इसका मतलब ये दोनों साइड्स सेम नहीं आई, मतलब यहां पे स्केलर वैल्यूज जीरो नहीं हुई। तो यहां पे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की वजह से ये हमारी एग्जांपल जो है ये बता रही है कि यहाँ पे स्केलर वैल्यूज जो हैं ये जीरो नहीं है, इसलिए ये वेक्टर्स जो होंगे ये तीनों क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो है एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास वी है एक वन जीरो जीरो, वी टू है मेरे पास जीरो वन जीरो, वी थ्री है मेरे पास जीरो जीरो एंड वन। ये तीन वेक्टर्स उस वक्त लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे जब हमारे पास स्केलर वैल्यूज जो फील्ड से बिलोंग करती हैं वो जीरो के इक्वल होंगी, मतलब कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन वो ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री उस वक्त जीरो होगा जब हमारे पास ए वन ए टू और ए थ्री की वैल्यू जीरो हो। अब वी वन वी टू वी थ्री क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ए वन वी वन है वन जीरो जीरो प्लस ए टू है हमारे पास जीरो वन जीरो प्लस ए थ्री जीरो जीरो वन इक्वल टू जीरो। ये किस वक्त होगा, जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज जो हैं जीरो हो जाएं, जब ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू जीरो होंगे, तब हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। जब ए वन ए जब हमारे पास ए वन ए टू और ए थ्री इक्वल टू जीरो होंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा, और तब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। जी मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, और हमने इनकी एग्जांपल्स के साथ वजाहत की है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।